गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट किस तरह से अभी आज की ट्रेडिंग रहने वाली है। मार्केट काफ़ी अच्छे मूड में चलता हुआ जा रहा था, लेकिन अभी एक ऐसे जोन में फंसा हुआ जहां कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत छोटे छोटे बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो हमें बहुत ही सेफ बेसिक ट्रेडिंग करना है, बहुत स्मॉल अमाउंट के साथ में करेंगे। कुछ हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली एंट्री करिए, लेकिन क्वांटिटी साइज को रिस्क रिवार्ड के हिसाब से माइनस करके रखिए। साथ में नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कुछ आरबीआई गवर्नर ने कुछ आप बोला था कि जो महंगाई है वो कम होने वाली है, साथ में जो इंडियन रुपीज़ है उसका वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो मैंने आपके साथ एक शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, इसके कंपेरिजन में अगर आप देखते हैं तो डॉलर एक रेजिस्टेंस जोन के पास जाने वाला है, लेकिन अभी उसके पास थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। जब तक डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे या तो साइडवेज रहेगा या फिर धीरे धीरे करके डाउन साइड आने की कोशिश करेगा। तो कल मैंने आपको शायद बोला था साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहेगा, पूरे देखेंगे लगभग मैक्सिमम टाइम में साइडवेज रहा है, 400 के आसपास ही घूमता रहा है, और फिर इवनिंग में एक ट्रेंड फॉलो किया और नीचे ये दोबारा से 200-250 पॉइंट गया। तो आप अगर देखेंगे तो मैंने आपके लिए जो बोला था, पहला यहाँ पर सपोर्ट था 400 का, दूसरा हमारा था 72,200 का, उसके आसपास क्लोज किया है। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे नीचे अगर निकलने की कोशिश करता है 72,000 का लेवल यहाँ पे दूसरा निकल के आएगा, और उसके बाद तो ये नीचे का सपोर्ट रहेगा। ओवरऑल मार्केट ऐसे जोन पे है कि कैंडल जो बनेगी बहुत छोटी छोटी बनेगी, लेकिन मूव कहीं ना कहीं डॉलर ही डिसाइड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, साथ में वर्ल्ड के न्यूज़ हैं वो डिसाइड करने वाले दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम यहाँ उन सब कंडीशन को छोड़ के अगर हम अपना टेक्निकली व्यू से देखते हैं तो यहाँ अगर देख रहे हैं तो एक थोड़ा सा भी डाउन ट्रेंड का ही मार्केट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी दोबारा से 400 के ऊपर जब क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा तभी इस जोन पर 700-800 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि आज थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ कम रह रही हैं। मार्केट फिर दोबारा से एक छोटे 300-400 पॉइंट का ट्रेडिंग डेज आज भी रहेगा। तो नीचे अगर निकलता है तो 71,800 होता हुआ, ऊपर 72,400, ये 400 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए रोल प्ले करने वाले हैं, इसके बीच में ही मार्केट डिसाइड करेगा। फिलहाल अगर ये 72 के नीचे नहीं निकलता है तो बेटर रहेगा, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जिन्होंने फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का कुछ बाइंग कर रखा है 73 के आसपास, होपफुली वह एक टाइम मूव करना चाहिए, लेकिन ये क्लियर अभी ऐसा नहीं है कि ये कब करेगा, अभी उसमें ड्यूरेशन ज़्यादा है इस वजह से हम देख सकते हैं। लेकिन इस महीने आप देखोगे कुछ फेड के मीटिंग वगैरह भी है तो उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो उन सब सारी कंडीशन को आपको वॉच करते हुए ट्रेडिंग पर प्लान करना है। साथ में इसके साथ आप कॉमेक्स को वॉच करते रहिए, सिल्वर के और डॉलर इंडेक्स को, दोनों जब डॉलर इंडेक्स और सिल्वर अपोजिट में चलता है तो उसमें मूव अच्छा रहता है। अगर एक दोनों एक साइड वेज में है तो यहाँ भी देखेंगे आप साइड वेज रहेगा, थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट अगर वहाँ पड़ता है तो इम्पैक्ट यहाँ भी। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ईएमए हमारा क्या बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ईएमए भी एक डाउन ट्रेंड का मार्केट देखने को यहाँ बोल रहा है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के साथ में एज इट इज, जैसा मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ उसी बेस से आप प्लान करिएगा, क्योंकि अभी ये ऐसे जोन में फंसा हुआ है जो काफ़ी इसको रोकने वाला है। मैंने आपको वीकली एनालिसिस में भी बोला था कि मार्केट के लिए स्टक जोन है, यहाँ आगे आएगा तो दोबारा से फंसने की कोशिश करेगा। देखेंगे हम लगातार डाउन ट्रेंड, यहाँ भी एक दोबारा से सपोर्ट 72,000 का इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में 71,800-900 होता हुआ 71,500, ये सारे सपोर्ट का काम करने वाले हैं, लेकिन फाइनली इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में डॉलर पॉजिटिव नहीं होता तो, क्योंकि 103 के आसपास डॉलर में भी कुछ रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो सिमिलर तरीके से ये भी एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है। अगर वो वहाँ से रिएक्ट करता है डाउन साइड तो यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा मूव चलता हुआ जा रहा था, लेकिन कल का जो क्लोजिंग किया है लगभग 400-500 पॉइंट का, ये थोड़ा निगेटिव हो गया है। अगर इसका फॉलो अप नीचे आता है तो यहाँ पे 72,000 यहाँ भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इनकेस यहाँ से ऊपर भी निकलने की कोशिश करता है तो 400 जितना अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था उतना अच्छा रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तो दोनों के बीच में मार्केट फंसा हुआ है, उसी बेस से आपको प्लानिंग करनी है। और फाइनली अगर हम देखते हैं तो ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट काफ़ी दिनों से बना हुआ है, ये इसको रोक रहा है, जब तक यहाँ पे मार्केट डिसाइड नहीं करता बहुत बड़ी क्वांटिटी साइज के साथ मैं प्रेफर नहीं करूँगा, स्मॉल क्वांटिटी के साथ हम एंट्री एग्जिट करते रहेंगे, क्योंकि जिससे हमारे ज़्यादा लॉसेस भी ना हो और हम ट्रेड में बने भी रहें।
अब नेक्स्ट वीक के बाद अगर कुछ और कंडीशन आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो वीकली में आपके साथ मैंने शेयर किया था 1/1 करके, ये इंपॉर्टेंट लेवल बने हुए हैं। 73 के ऊपर जब ये क्लोजिंग करना स्टार्ट करे तभी 74 75 वाले को कुछ मिल सकता है। अदरवाइज अभी जो टेक्निकली मार्केट बोल रहा है, टेक्निकल इंडिकेशन जो दे रहा है ये चार्ट के बेसिस पे, वो अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड टू साइडवेज ही दे रहा है। या तो मार्केट सपोर्ट के पास से साइडवेज रहेगा, या फिर थोड़ा सा 300-400 पॉइंट का डाउन ट्रेंड रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं मार्केट में ऊपर जाने के बाद में रिएक्शन फेस करके नीचे आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वीकनेस अभी बनी हुई है, कुछ इसको बाइंग करने के लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में आना चाहिए, तभी यहाँ पे एंट्री लोग करना जारी रखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बहुत सेफली होकर ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी क्लियर मूव नहीं हो रहा है, एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे, और ओवरऑल कैंडल जो बनेगी छोटी छोटी 300-400 पॉइंट की बनेगी। बड़े मूव आपको तभी देखने को मिलेंगे जब इस जोन के ऊपर या फिर नीचे कहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।